अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पता है इससे सीखने को क्या मिलता है, जो ये बहुत सेक्युलर हिंदू है ना, या अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, या अपने आप को बहुत एलीट क्लास में लेके इंटेलेक्चुअल, सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में डाल देते हैं, या ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, इन सबको एक ही चीज कहती हूँ कि जो तुम बार बार हम हिंदुओं को टारगेट करते हो ना, एक्चुअली मैं है ना इनको आज ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ये लड़ाई चल रही है ना, वो लड़ाई धर्म की है। हमने कभी शुरू नहीं करी, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि जिसमें चींटी से लेके हाथी तक की भी हम पूजा करते हैं। कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो पेट्रोल का भाव ये चाहिए, या अफगानिस्तान में पेट्रोल ये भाव में मिल रहा है, या प्याज ये भाव में मिल रहा है, या डीजल ये भाव में मिल रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये हालत हो रहा है, ये जो हालत हो रहा है, यही हालत है ना 1990 में हुए थे जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, वो पहने कपड़े घर से बाहर निकले थे। यही 1947 में हुआ था जब बंटवारा हुआ था देश का, और हमारे हिंदू कराची से ऐसे के ऐसे, लाहौर और कराची से ये लोग पहने कपड़े निकले थे, और इनके घर पर इसी तरह से इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था। और यही हालत तब हुई थी जब मुगल हमारे देश में इन्वेंट हुए थे और हम लोगों को दबाया कुचला, हमारा जो हमने बसा बसाया था वो सारा लूट लिया। हम लोग आपसी झगड़े से ऊंचे नहीं आए, हम सेक्युलरवाद में रहे, हम लोग मतलब इतने दयावान रहे कि अपने घर में इन लोगों को हमने शरण दे दी, और फिर अपने घर में हम खुद ही शरणार्थी बन गए। तो पॉइंट इज मेरा जो ये मेन मुख्य बिंदु मेरा ये है कि अब ये लिब्रांडू जो है ये चालू हो गए कि ये सीए के तहत अब इन अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको तो भारत में शरण नहीं मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है, ये क्या हाथ में मंजीरा लेके बजा रहे? ये जो OIC करके इन्होंने 56 इस्लामिक मुल्क ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये क्या मंजीरा बजा रहे? हम लोगों को क्या अलीबाग से आया हुआ आप लोगों ने समझा है? ये यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले कहां चले गए? और ये जो बार बार ह्यूमन राइट्स का नगाड़ा बजा कि आज ये सिचुएशन हो रही है, और ये सिचुएशन आप सोचो कि लादिन को मारने के बाद में 1991 से लेके ये जो 2021 अभी चल रहा है, ये 20 सालों में इन लोगों ने जो भी बनाया बसाया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने कितना, भारत ने भी उतना ही पैसा डाला है। भारत ने वहां पे सड़कें बनाई हैं, उनको हॉस्पिटल बना के दिए, उनको स्कूल बना के दिए। इसी तरह से अमेरिका ने वहां पे $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। खुद के अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो मारे गए जब इन लोगों ने पूरा अफगानिस्तान को में से इन आतंकवादियों को भगाया था। 20,000 यूनाइटेड यूएस के जो सोल्जर्स थे वो घायल हुए, 241,000 लोग मारे गए। और उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान के डिफेंस के जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई, और 20 साल में जो बसा बसाया जॉय बिडन ने वहां से उठाया, और इन लोगों ने 20 दिन में, 20 साल का बसाया हुआ, 20 दिन में, अगेन रिपीट कर रही हूं, 20 साल लगे ये बसाने में, इन जाहिल गवारों को 20 दिन नहीं लगा इसे उजाड़ने में। एक घर बनाने में एक पूरी उम्र गुजर जाती है, और आप आज भी सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाते हो। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन रोहिंग्याओं के लिए आप कहते हो कि इन्हें हमारे देश का नागरिक बनाना चाहिए, तो क्यों बांग्लादेश ने मना कर दिया शरणार्थी लेने से? खुद के बांग्लादेशियों को लेने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रोहिंग्यास को लेने के लिए मना कर दिया, म्यांमार वालों ने मना कर दिया, श्रीलंका वालों ने मना कर दिया। तो भारत, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ है? ये कोई धर्मशाला है? फिर 20-25 साल बाद तुम लोग यही कहोगे कि हिन्दुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, है ना? शरणार्थी बन के आए थे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तब ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क मांगा, तब ये लोग एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना देते हैं और भारत को सेक्युलर कंट्री रहने देते हैं। और ये मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम भारत में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। आज वही सारे जो मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि हमें वापस अलग करके दो, अब हम लोग 20 करोड़ हो गए हैं और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमें
बोलते हैं ये लोग, तो ये जो 56 इस्लामिक मुल्क है वो तुम्हारे बाप के, और हमारा जो है वो भी तुम्हारे बाप का, मतलब तुम्हारा तुम्हारा तो तुम्हारा और जो हमारा है वो भी तुम्हारा, तो हम लोग क्या तुम्हें इतने बड़े सी लग रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा बोल के पूरी दुनिया में गजवाए वर्ल्ड कर लोगे और लोग चुपचाप तुम्हें अपनी बॉर्डर खोल के तुम्हें आने देंगे, और आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये अपने मुस्लिम भाइयों के भाई नहीं हुए। अफगानिस्तान में तालिबानी अपने ही मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं, अब इनको शरिया लाना है, वो शरिया लाना चाहते हैं तालिबानी, तो फिर ये क्यों वहां के मुसलमान भाग के जा रहे हैं, वो क्यों शरणार्थी बनना चाहते हैं और दूसरे देशों से शरण की अब ये लोग मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो देश में जब ये किसान आंदोलन हो रहा था तब ये ग्रेटा, फिर ये रेहाना, मलाला और मियां खलीफा, ये सब लोग अब कहां चले गए? अब इनको ये सब नहीं दिख रहा, अब इनके मुंह पे जिप आ गई? तो आप समझ रहे हो कि जब इजराइल में गाजा पट्टी पर हमस के आतंकवादियों को इजराइल की सेना मार रही थी, तब ये लोग सेव फिलिस्तीन के पोस्टर्स लेकर अपने डीपी काले कर और ये झंडा रोहन कर रहे थे भारत के पंचर छाप। और आज अफगानिस्तान को पूरा 20 साल में जितना बसा बसाया वो खत्म कर दिया इन तालिबानियों ने, वहां से 6 से 12 साल की बच्चियों से सेक्स स्लेवरी करवा रहे ये लोग, औरतों को, विधवा औरतों को और सिंगल औरतों को उठा के ले गए ये लोग। और ये लोग अब मुंह पे पट्टी बांध के कि ये जो पूरी की पूरी हिपोक्रेट गैंग है, चांडाल चौगड़ी, बॉलीवुड, कम्युनिस्ट मीडिया और ये पूरा जो विपक्ष है और लेफ्टिस्ट लिबरल लोग जो है या ये पूरी लॉबी है, ये इतना सन्नाटा धार के क्यों बैठी है? जब दानिश सिद्दीकी को अफगानिस्तान में मारा गया तो ये तालिबानियों को नहीं, ये उस गोलियों को लालच दे रहे थे कि हजार लानत है उन गोलियों को जो दानिश सिद्दीकी पे लगी। अब ये तालिबानी वहां से अफगानिस्तानियों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, निकाल रहे हैं, लड़कियों को सेक्स स्लेवरी के लिए ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके बलात्कार कर रहे हैं, एक एक औरत को पांच पांच छह छह मर्द एक एक औरत पे चढ़ रहे हैं। इतने जाहिल गवार लोग ये, घटिया लोग ये, अब क्यों नहीं इनका दिल नहीं पसीसता? वो जो CNN की जो रिपोर्टर है वो बड़ा इन लोगों को अपने गोद में बिठाती थी, कल तक खुले कपड़ों में कुछ भी कपड़े पहनकर रिपोर्टिंग करती थी, अब वो आपको हिजाब में दिख रही है, कंपल्सन हो गया। तो अगर जिनको भारत में शरिया कानून चाहिए वो शरिया कानून की मांग करने वाले क्यों नहीं खुशी खुशी से अफगानिस्तान चले जा रहे थे? वो इजराइल अपने देश की रक्षा कर रहा था इन हमस के आतंकवादियों को मारने के लिए, और यहां पे ये लोग, मतलब कोई और देश में अगर इन लोगों पे कुछ भी होता है तब तो ये झंडा लेके जाएंगे, लेकिन मुस्लिम ही मुस्लिम पर ऐसा कर रहा है तो ये सब चुप होके बैठ जाते हैं। फिर इनके लिए मैटर नहीं करता कि वो तालिबानी है, आतंकवादी है, क्या है। तो आप समझ रहे हो कि कितने हिपोक्रेट है। फिर शांति की बात भी यही करेंगे, भाईचारे की बात भी यही करेंगे, प्यार मोहब्बत इन सब की बातें भी यही करेंगे। तो ये इनका बेसिकली चाल चरित्र चेहरा है जो समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन मूर्ख हिंदू जो है ना वो ये कहते हैं कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं, हम तो धर्म और ये नहीं मानते, वी आर, हम लोग तो कोई रिलीजियन को नहीं बिलीव करते हैं। तो उनको मैं ये बता दूं कि ये जो लोग है ना ये हंस रहे तुम पे कि आज जैसे 20 साल में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर लिए, 20 दिन लगे इनको वो सारा हड़पने में, तुम एक घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, इन्हें एक पल लगेगा उसको उजाड़ने में। जो तुम खुश होते हो ना अपने गाड़ी बंगले देखकर, ये आज हमारे गुजरात के जामनगर में ये सारे 120 इंडियन जो आए हैं वहां से रेस्क्यू करके लाया, ये पहने कपड़े आए सब कुछ वहां छोड़ के, तो तुम समझ रहे हो कि जिस पैसों के पीछे भाग रहे हो, धन और दौलत के पीछे भाग रहे हो, जिस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस जातिवादी ठग के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये लोग आ जाएंगे ना जिनके पीछे तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये ममता बनर्जी जैसे लोगों को सपोर्ट करके, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद को, ये मायावती को, कांग्रेस पार्टी को, इन जैसे लोगों को, मुफ्ती और गिलानी और इन जैसों को सपोर्ट करके आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, चंद सिक्कों के लालच में अपने जमीर को बेच रहे हो। और खास करके ये बरखा, राणा, रवीश जैसे पत्रकार, ये सारे घटिया पत्रकार जो है, इन ये लोग जब ये बातें करते हैं ना आज वो लोग सब चुप है, और जब यही आग इनके घर तक आएगी
तभी तब इन लोगों को अक्ल आएगी। ये टर्की का प्रेसिडेंट जो है वो इतना उछलता है, क्यों अभी उसने कुछ नहीं बोला, क्यों वो आगे नहीं आया? आप सोच रहे हो कि इनमें जब गलत होता है तो भी कोई बोलने नहीं आता है, और वहां इजराइल जो इन पूरे इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ छोटा सा देश अपने देश की रक्षा करता है तो ये सब उस पर चढ़ जाते हैं, और तब यूनाइटेड नेशन भी आके बकवास करने लगता है और ह्यूमन राइट्स वाले भी आके बकवास करने लगते हैं, और अब नहीं कर रहे। तो यहां पे आपको सीखने और समझने की जरूरत है कि भाइयों, ये तुम्हारा जो है ना भाईचारे के आदमी जो तुम चारा बन रहे हो, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, अक्ल दौड़ाओ और समझो कि क्या हो रहा है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें डुबोंगे भी आप लोग, क्योंकि आप लोग है ना कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, और आपकी वजह से ही हमारे घरों में कब्जे होंगे, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, हमारे धर्म परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप लोग चुप हो। और जब समझ आएगी ना तब तक इतनी देर हो जाएगी कि तुम लोग बस प्याज और टमाटर के भाव के खातिर अपने आप को बेच देना, या मुफ्त की बिजली और मुफ्त के राशन की वजह से अपने आप को बेच देना, या मुफ्त बस ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल में अपने आप को बेच देना, मगर फिर जब तुम्हारा ये धर्म बिकेगा ना तब तुम्हारा ये कुछ काम आने वाला